नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान ने यूएनजीए में कश्मीर पर बयान दिया, जिसे भारत ने सबसे घटिया पाखंड करार दिया है। भारतीय प्रतिनिधि मंगल नंदन ने पाकिस्तान के आतंकवाद के उपयोग और लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो अपने पड़ोसियों के खिलाफ हिंसा का समर्थन करता है। बेंगलोर के ताज वेस्ट एंड होटल को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। होटल प्रशासन में हड़कंप मच गया और स्थानीय पुलिस व बम निरोधक दस्ते ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने होटल की सुरक्षा बढ़ा दी और गहन जांच जारी है। भारतीय क्रिकेटर मुसीर खान, जो ईरानी कप के लिए जा रहे थे, कार दुर्घटना में घायल हो गए। उनकी कार पलटने से गर्दन में चोट आई है। 19 वर्षीय मुसीर सचिन के रिकॉर्ड तोड़ने वाले युवा बल्लेबाज हैं और घरेलू क्रिकेट में मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हैं। महिंद्रा थार रॉक्स की बुकिंग 3 अक्टूबर से सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस एसयूवी की कीमत 12.99 लाख रुपए से 22.49 लाख रुपए तक की है। ये पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें 4x4 वेरिएंट भी शामिल है। सबा आजाद ने एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स 2024 में हुज योर गायनक के लिए कॉमेडी रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है। उनके बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी, जबकि अन्य सेलेब्स ने भी तारीफ की है। शो का दूसरा सीजन जल्द आएगा। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने यूएनजीए में सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार की जरूरत पर जोर दिया, भारत को अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया। उन्होंने भूटान के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और अल्प विकसित देशों की चुनौतियों का उल्लेख किया। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने तेजी से 1500 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। हालांकि 3 लोग सांस लेने की दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती हुए हैं। आग के कारणों की जांच चल रही है और सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट में बारिश के कारण खेल का पहला सत्र धुल गया। बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 107 रन से अपनी पारी शुरू नहीं की। पहले दिन केवल 35 ओवर का खेल हुआ, जबकि आकाशदीप ने 34 रन पर 2 विकेट किए और अश्विन ने 1 विकेट लिया। BSE और NSE ने कैश और फ्यूचर एंड ऑप्शन सौदों के लिए लेन देन चार्जेस में बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। सेबी के निर्देशानुसार BSE ने इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के लिए शुल्क को 3,250 रुपये प्रति करोड़ प्रीमियम निर्धारित किया है, जबकि अन्य शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे। 29 सितंबर की रात एक विशेष खगोलीय घटना में लोग 2 चांद देख सकेंगे। ये मिनी मून ये वास्तव में एस्ट्रॉइड 2024 PT5 है, जो धरती की परिक्रमा कर रहा है। भारत में इसे नंगी आंखों से नहीं, बल्कि विशेष टेलीस्कोप से देखा जा सकेगा। इस एस्ट्रॉइड का महाभारत में भी संबंध है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में भारत यात्रा करेंगे। ये उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, जिसमें मोदी के साथ बैठकें 7 अक्टूबर को निर्धारित हैं। पिछली करवाहट के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, विशेषकर भारत की मदद से। भूटान के प्रधानमंत्री सोरिंगो तोमगे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति और ग्लोबल साउथ में नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। बिहार के पटना में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिला उद्योग संघ द्वारा दशहरा मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले में 220 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें सिल्क, ज्वेलरी और मिथिला पेंटिंग जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसका थीम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, जो महिलाओं को व्यापार का अवसर प्रदान करता है। अडानी इंटरप्राइजेस की जॉइंट वेंचर कंपनी अप्रैल मून रिटेल ने कोको कोर्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये अधिग्रहण 31 अक्टूबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा अडानी ग्रुप का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 116% बढ़कर 1,454 करोड़ रुपये हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली की अदालत में आरोप लगाया कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित किया है। ईडी ने कहा है कि यादव ने साजिश के तहत भूखंडों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया, जबकि ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि ये उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध निर्माणाधीन मस्जिद को गिराने के नगर निगम के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मुस्लिम समुदाय में एक बैठक के बाद ये कदम उठाया, जबकि हिंदू संगठनों ने मस्जिद को अवैध बताकर प्रदर्शन किया है। प्रशासन ने रैली के चलते सुरक्षा बढ़ा दी है। क्विक हिल टेक्नोलॉजी ने यूजर्स के ऑनलाइन फ्रॉड के खतरों पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें फेक IRCTC ऐप, नकली शॉपिंग वेबसाइट, QR कोड, फिशिंग और गिफ्ट कार्ड स्कैन शामिल है। ये स्कैमर्स यूजर्स की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। खासकर फेस्टिव सीजन में सावधानी बरतने की जरूरत है। स्मार्टफोन में स्लो होने की समस्या से निपटने के लिए अनावश्यक ऐप्स को अनइंस्टॉल करें। कैसे डेटा क्लियर करें और सिस्टम और ऐप्स को अपडेट रखें। एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट्स को कम करने से रिस्पांस टाइम बेहतर होता है। फोन को नियमित रूप से रिबूट करें और एंटीवायरस या क्लीनर ऐप्स से बचें। सरकारी कार्यों को आसान बनाने के लिए यहाँ 5 जरूरी मोबाइल ऐप्स हैं। इनमें सबसे पहले है उमंग ऐप, जो केंद्र और राज्य सेवाओं के लिए है। फिर है डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल स्टोरेज के लिए। फिर आता है एम पासपोर्ट सेवा, जो पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के लिए होता है। फिर है एम परिवहन वाहन दस्तावेजों की जानकारी के लिए। फिर एम आधार कार्ड सेवाओं के लिए। इस ऐप्स को गूगल प्ले या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। गूगल ने गूगल IO 2024 में जेमिनी पावर्ड कॉन्टेक्चुअल स्मार्ट रिप्लाइज का प्रीव्यू पेश किया है, जो अब जीमेल यूजर्स के लिए सोल आउट हो रहा है। ये स्मार्ट रिप्लाई का अपग्रेडेड वर्जन है, जो संदर्भ के आधार पर डिटेल्ड और पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स प्रदान करेगा। फिलहाल ये फीचर केवल अंग्रेजी में है और प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद किया है। उन्होंने लिखा, लता दीदी की कमी महसूस हो रही है और कहा कि उनका विशेष रिश्ता था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था और उन्होंने संगीत जगत में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ था। युवा पीढ़ी अब रिटायरमेंट के लिए PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में नियमित निवेश कर रही है। ये योजना स्थिरता और टैक्स लाभ के लिए के साथ 1968 से छोटी बचत को प्रोत्साहित करता है। 35 साल की उम्र में हर साल 1,50,000 रुपये जमा करने पर 55 साल तक 66,58,288 रुपये जमा होंगे, जिससे 78,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। दिग्गज अभिनेत्री सबाना आजमी ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत में महिलाओं का सदियों से संघर्ष रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं ने प्रगति की है और उन्हें दबाया भी गया है। रिपोर्ट ने मलयालम सिनेमा में यौन उत्पीड़न के मुद्दों को उजागर किया है, जिससे फिल्म उद्योग में हलचल मची है। क्रेडिट कार्ड पर खर्च तेजी से कम हो रहा है, जो वित्त वर्ष 2022 में 54.1% से घटकर इस वित्त वर्ष में केवल 16.6% रह गया है। RBI की सख्ती और नए नियमों के कारण नए क्रेडिट कार्ड जुड़ने की दर भी गिर रही है। फेस्टिव सीजन में खर्च में कमी देखी जा रही है, जिससे वित्तीय संस्थानों पर असर पड़ रहा है। MGL में अपनी हिस्सेदारी 9.03% से घटाकर 6.94% कर दी है। 68.54 लाख शेयर 1521.31 रुपये प्रति शेयर बेचकर 314 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। MGL के शेयर में पिछले एक साल में 90% की तेजी आई है, जबकि कंपनी का जून तिमाही में प्रॉफिट 288.80 करोड़ रुपये रहा। इंटरनेशनल इंडियन एकेडमी अवार्ड्स 2024 का आगाज अबू धाबी में हुआ। पहले दिन तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा के सितारों को सम्मानित किया गया। पोन्नियन सेल्वन 2 ने 5 अवार्ड्स जीते, जबकि ऐश्वर्या राय को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है प्रमिला कुमारी, संजीव कुमार, नुन्नू, गोलू कुमार, मुन्ना प्रसाद, धनंजय कुमार, राकेश मिश्रा, मोहम्मद दानिश, रविशंकर, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, रामबाबू दास, छोटू राजा, पुष्पक कुमार, राजबाबू यादव, सपना कुमारी, जुबैर आलम, नौसाद राजा, अरविंद सिन्हा, अमरजीत यादव, उत्तम कुमार, असरफी, ओम प्रकाश, विकास यादव, मोहम्मद इरफान, सुधीर कुमार, ऋतिक कुमार, अजीत कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।